तो गाइस, आज मैं एलियन सिंथेटिक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम टॉम है। वो वैसे तो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, लेकिन स्कूल में हर सब्जेक्ट में फेल होते रहता है। वो अपने लैपटॉप से अपने स्कूल के ग्रेड चेंज करके उसे बढ़ा रहा होता है, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही उसके पेरेंट्स ग्रेड देख लेते हैं और साथ ही ग्रेड चेंज होता भी देख लेते हैं, और वो समझ जाते हैं कि ये सब टॉम कर रहा है। उसी समय टॉम की बहन बेथनी अपने बॉयफ्रेंड रिक्की से मिलके खिड़की से उसके कमरे में इंटर करती है, और साथ ही उसके कमरे में हैना, टॉम और बेथनी की छोटी बहन आ जाती है और उनको डैड का आने का बताती है। स्टुअर्ट टॉम को आके बहुत डांटता है और कहता है कि अगर वो स्कूल की वेबसाइट हैक कर सकता है तो उसे पास भी हो जाना चाहिए और उसको अपनी बहन बेथनी से कुछ सीखना चाहिए। इसके बाद वो टॉम का कंप्यूटर बंद कर देता है। अगले दिन सारी फैमिली मिलकर वेकेशन पर जाते हैं। सभी शहर से दूर एक हॉलीडे हाउस पर पहुंच जाते हैं। टॉम को ये हॉलीडे हाउस बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तभी वहाँ टॉम के अंकल लेट अपने बड़े बेटे जैक, छोटी जुड़वा लड़की आर्ट और ली, उसकी दादी रोज के साथ पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ बेथनी का बॉयफ्रेंड रिकी आ जाता है, जिसे टॉम बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वहाँ आते ही वो अपने कार का प्लग निकाल देता है और बहाना बनाता है कि उसकी कार खराब हो गई है। इस पर टॉम के डैड कहते हैं कि रिकी आज रात यहाँ रुक सकता है, लेकिन टॉम और जैक को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जैक टॉम को रिकी से बदला लेने के लिए एक ट्रैगन देता है जिससे वो रिकी को शूट कर सके। जब बेथनी और रिकी पूल के पास बैठे हुए होते हैं तो टॉम और जैक झाड़ियों में छुपकर उस पर ट्रैगन से शूट कर देते हैं। टॉम रिकी पर शूट करना नहीं चाहता था, लेकिन जैक गन चला देता है जिससे रिकी पर बहुत सारे कलर बुलेट शूट हो जाते हैं। टॉम को ये सब करता बेथनी देख लेती है और उसे डैड से बहुत डांट पड़वाती है। फिर शाम को बहुत तेज तूफान आने लग जाता है जिससे टीवी डिश खराब हो जाती है। टीवी डिश ठीक करने के लिए रिकी और टॉम छत पर जाते हैं तो रिकी टॉम को अकेला डिश ठीक करने भेज देता है। जब टॉम डिश ठीक कर रहा होता है तो तभी जैक वहां आकर उसे डरा देता है। उसी वक्त वो दोनों एक एलियन की परछाई देखते हैं। चार एलियन जो खुद को जेरकॉन प्लेनेट से आया बताते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। उनमें से एक का नाम स्पार्क है, जिसके चार हाथ हैं और वो एक इंजीनियर है। चारों एलियन में से यही एक अच्छा एलियन होता है। बाकी एलियंस के नाम है स्कीप, टेजर और रेजर। इसके बाद टेजर रिकी के ऊपर कंट्रोलिंग प्लग शूट करता है जो उसके गले में लग जाता है। उसे यूज करके एलियन उसके बॉडी और मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। टेजर रिकी के जरिए टॉम और जैक पर हमला कर देता है, लेकिन वो बच जाते हैं और रिकी छत से नीचे गिर जाता है। बाद में तीन एलियन टॉम और जैक पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान वहां नीचे हैना, आर्ट और ली आ जाती है। जैक उनको विंडो खोलने को बोलता है, लेकिन जब जैक और टॉम विंडो से कूद रहे होते हैं तभी एलियन उन पर वो कंट्रोलिंग प्लग शूट कर देते हैं, जिसका उस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि ये प्लग सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों पर काम करता है। इसके बाद वो सब एलियन को एटिक में बंद कर देते हैं। बाद में सभी बच्चे पुलिस को फोन लगाते हैं, लेकिन किसी के फोन में सिग्नल नहीं होता सिवाय लैंडलाइन को छोड़कर, जो कि बहुत स्लो होता है। अगले सीन में कमांडर स्कीप टेजर और रेजर को बहुत डांट रहा होता है। जब बच्चे पुलिस को फोन लगाते हैं तो फोन शेरिफ आर्मस्ट्रांग उठाते हैं, जो बच्चों की एलियंस वाली बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। उसी दौरान रेजर फोन की वायर काट देता है। तभी सब बच्चे रिकी को बाहर लटका देखते हैं, जिसके जरिए उसे टेजर और स्पार्क की बातें सुनाई देती है। टेजर स्पार्क से कहता है कि माइंड कंट्रोलिंग प्लग बच्चों पर काम क्यों नहीं कर रहा। ये सब सुनकर टॉम सबको कहता है कि अगर ये प्लग हम पर काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब एलियन अब हमारे पेरेंट्स को अपना हथियार बनाएंगे। बाद में वो सब डिसाइड करते हैं कि वो सब मिलकर एलियन से फाइट करेंगे। इसके लिए उन्हें सबसे पहले एलियंस की कमजोरी पता होनी चाहिए, और वो रूल बनाते हैं कि इन सब का पता पेरेंट्स को नहीं लगना चाहिए। इसके बाद टॉम और जैक छत पर चढ़कर एलियंस को देख रहे होते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि एलियंस उसके घर के नीचे बेसमेंट में किसी चीज की तलाश में है। वहीं बेथनी रिकी को ढूंढते ढूंढते उनके पास आ जाती है, जिस पर टॉम उससे कहता है कि रिकी लेक के पास उसका इंतजार कर रहा है। इसके बाद जैक, आर्ट और ली एलियंस के साथ फाइट करने लगते हैं, लेकिन एलियन एक डिवाइस फेंक कर वहां की ग्रेविटी जीरो कर देता है और सब लोग हवा में उड़ने लगते हैं। इसके साथ ही रेजर और स्कीप एटिक से बाहर आ जाते हैं। उन्होंने ग्रेविटी बूट पहने थे, जिनकी वजह से वो फ्लोर पर चल पा रहे थे। तभी वहाँ पर टॉम और हेना आ जाते हैं। टॉम फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद जैक उस डिवाइस को टॉम की तरफ फेंकता है और टॉम उस डिवाइस को तोड़ देता है, जिससे सब लोग नीचे गिर जाते हैं। जब एलियन वापस एटिक में जा रहे होते हैं तो स्कीप के पॉकेट से रिकी का रिमोट गिर जाता है, जिसे आर्ट और ली उठा लेते हैं और वो उसका यूज करके रिकी और बेथनी में लड़ाई करवा देते हैं। अगले सीन में जैक हैना की कार में कैमरा लगाकर एटिक में भेज देता है।
और उधर टॉम और ली मिलकर रिकी को कंट्रोल करते हैं और बेथनी को पानी में फेंक देते हैं। रिकी पेरेंट्स को एक साथ बाहर जाने को बोलता है और कहता है कि वो सब बच्चों का ख्याल रखेगा, लेकिन ये सब उससे बच्चे बुलवा रहे थे। बाद में जैक कुछ पटाखे एटिक में फेंक देता है जिससे एलियंस के बैंड बज जाते हैं। इन सब से डरकर हैना बेड के नीचे छुपी होती है, तभी स्पार्क पटाखों से डरकर एटिक से नीचे गिर जाता है और एक टॉय स्प्रिंग में फंस जाता है। तभी उसकी मदद हैना करती है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। उनको खेलते हुए टॉम और बाकी सब सुन लेते हैं। जब वो वहां जाते हैं तो स्पार्क बेड के नीचे छुप जाता है, लेकिन हैना उसे बचा लेती है। बाद में बाकी सबकी दोस्ती भी स्पार्क से हो जाती है। फिर स्पार्क उन सबको ड्रॉ करके बताता है कि वो सब एलियन इस घर के नीचे दबे हुए कैप्सूल की तलाश में हैं, जिससे कि वो सब एक मशीन बनाना चाहते हैं। अगले सीन में हम दादी को देखते हैं जो कि बाथरूम में होती है, और टीजर आकर उन पर कंट्रोलिंग प्लग शूट कर देता है। फिर स्पार्क टॉम को उसकी पोटेटो गन मॉडिफाई करके देता है। उसी वक्त दादी उनके कमरे में आ जाती है जिन्हें टेजर कंट्रोल कर रहा था, और वो स्पार्क को वापस करने की मांग करती है, लेकिन टेजर जो दादी को कंट्रोल कर रहा था वो एटिक से नीचे गिर जाता है। तभी उस पर हैना बबल गम से शूट कर देती है और दादी का रिमोट कंट्रोल ली के हाथ लग जाता है। टॉम टेजर को एक बॉक्स में कैद कर लेता है। इसी दौरान रेजर और स्किप वहां आकर उनसे फाइट करने लगते हैं और एक सूटकेस जिसमें स्पार्क होता है वो ले जाते हैं, लेकिन असल में हैना ने स्पार्क को तकिए के नीचे छिपा दिया था। इसके बाद वहां शेरिफ आर्मस्ट्रांग आ जाते हैं जिनसे टॉम माफी मांगता है। तभी वहां टॉम और जैक के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और शेरिफ को उनके साथ डिनर के लिए इनवाइट करते हैं और शेरिफ मान जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एलियंस ने जैक को पकड़ लिया था। जब सब लोग खाना खा रहे थे तो टीजर बॉक्स से निकलकर रिकी का रिमोट चुरा लेता है और रिकी को कंट्रोल करके हैना से वो बैग भी छीन लेता है जिसमें स्पार्क को छुपाया था। तभी टॉम आर्ट और ली दादी के साथ अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर रिकी दरवाजा लॉक कर देता है और कहता है कि अब इन्वेंशन स्टार्ट हो चुका है और बहुत से एलियंस धरती पर कब्जा करने आ रहे हैं। तभी आर्ट और ली दादी को कंट्रोल करके उन दोनों की फाइट करवा देते हैं। दादी और रिकी की लड़ाई बिल्कुल वीडियो गेम जैसी होती है। लड़ाई के दौरान दादी रिकी के गर्दन पर मारती है जिससे रिकी का प्लग निकल जाता है। फिर दादी उसे किक मारती है जिससे वो बाहर जाकर गिरता है। इसी बीच बेथनी वहां आ जाती है और वो टीचर को देख लेती है। बाद में उनके पेरेंट्स भी वहां आ जाते हैं और बच्चों को बाहर डांट लगाते हैं। दूसरी तरफ एलियन ने वो कैप्सूल मशीन ढूंढ ली थी। फिर सब बच्चे और बेथनी मिलकर एलियन से फाइट करने का प्लान बनाते हैं। जब वो बेसमेंट में जाते हैं तो उन्हें जैक और रिकी मिलते हैं। इसके बाद बेथनी और रिकी में लड़ाई हो जाती है और रिकी उनके फैमिली को बहुत बुरा बोलता है जिससे बेथनी को बहुत गुस्सा आता है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। दूसरी तरफ उन एलियंस ने मशीन बिल्ड कर ली थी। अब जैक एक आइडिया लगाता है और कोक की बोतल में मेंटोस डालकर एलियन पर फेंक देता है जिससे एलियन कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तभी एलियन कमांडर मशीन की मदद से बहुत बड़ा हो जाता है। अगले सीन में एलियन कमांडर जमीन में कोई डिवाइस गाड़कर एलियन को धरती पर आने का सिग्नल देता है। सबको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तभी टॉम को रिमोट कंट्रोल और प्लग मिल जाता है। इसके बाद वो प्लान करते हैं कि वो मशीन में प्लग डालकर उसे बड़ा कर देंगे जिससे कि वो कमांडर पर शूट करके उसे कंट्रोल कर सके। तभी वहां पर एलियंस आने लगते हैं जिसे देख पेरेंट्स को लगता है कि कहीं पर फायरवर्क्स हो रहा है। उसी वक्त इसकी मशीन में जाकर बड़ा हो जाता है और टॉम कमांडर पर कंट्रोलिंग प्लग शूट कर देता है। फिर आर्ट और ली कमांडर को कंट्रोल करते हैं, जिसके बाद कमांडर और स्किप में फाइट होने लगती है और स्पार्क मशीन को रिवर्स कर देता है जिससे कि वो दोनों फिर से छोटे हो जाते हैं। इस वजह से मशीन भी ब्लास्ट हो जाती है। फिर स्पार्क सब एलियंस को वापस जाने को कहता है और वो सब वापस चले जाते हैं। फिर स्पार्क सभी को बाय बोलता है। हैना अपना खिलौना उसे गिफ्ट में देती है और आखिर में स्पार्क भी अपने प्लेनेट जेरकॉन वापस चला जाता है। मूवी के एंड में टॉम अपने पापा से माफी मांगता है और कहता है कि वो अब पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देगा, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।